भाग्य पुरुषार्थ परमार्थ। भाग्य कहते हैं जो अपने कर्मों का आगे आने वाला फल है। पुरुषार्थ कहते हैं परिश्रम को। पुरुषार्थ का असली अर्थ है पुरुष का प्रयोजन, पुरुष और अर्थ पुरुषार्थ। पुरुष आत्मा, अर्थ प्रयोजन। आत्मा का प्रयोजन वो है दुख से अत्यंत छुटकारा, और उसके लिए मेहनत करना भी पुरुषार्थ कहलाता है, मेहनत परिश्रम। और परमार्थ का अर्थ है परमार्थ, अत्यंत ऊंचा प्रयोजन, वही दुख से छुटकारा है। तो अगर परमार्थ अलग कहा गया तो पुरुषार्थ को हम परिश्रम मान लें। वैसे पुरुषार्थ का भी अर्थ पुरुष का प्रयोजन, दुख से छुटकारा हो जाता है, लेकिन परमार्थ अलग है। तो पुरुषार्थ को हम परिश्रम समझें। भाग्य परिश्रम और परमार्थ। भाग्य तकदीर, नसीब, प्रारब्ध अनेक शब्दों में कहा जाता, अदृष्ट। पुनर्जन्म सिद्धांत मानने में इसका समाधान होता है। जो पुनर्जन्म नहीं मानते हैं तो उनके जीवन में जो कुछ आता है वो ईश्वर की इच्छा है। जीव तो पहले देहधारा नहीं था, कोई अच्छा बुरा काम किया नहीं था पुनर्जन्म के ख्याल से। तो अगर कोई शुरू से ही कोढ़ी है तो ईश्वर की ऐसी ही इच्छा है। कोई स्वस्थ है, जन्मजात स्वस्थ है, तो ईश्वर की इच्छा। कोई झोपड़ी में पैदा हुआ, कोई महल में, ईश्वर ने जैसा चाह कर दिया। न्याओ न कीन कीन ठकुराई, बिन कीन्हे लिख दीन बुराई। ये व्यंग है ऐसे ईश्वर पर। ईश्वर ने न्याय नहीं किया, ठकुराई किया, बिना किए ही बुराई लिख दी। जीव साप पाक था। पुनर्जन्म जो नहीं मानते हैं तो ये जो जन्म हुआ है इसके पहले हमारा कोई जन्म नहीं था। जब कोई जन्म नहीं था तो कोई देह नहीं थी, कोई देह नहीं था तो कोई कर्म नहीं था। ऐसी स्थिति में ये हमें जो जन्म मिला क्यों मिला, इसमें हमारा भटकना क्यों। मानो सामान्य रूप में तो ठीक है, लेकिन शुरू से ही मुझे बेवकूफ़ बना दिया, शुरू से ही हमें अपंग बना दिया, जीवन भर खाट में पड़े रहें ऐसा बना दिया, दरिद्र यहाँ पैदा कर दिया, ऐसा क्यों किया। तो ये ठकुराई किया। ठकुराई कहते हैं पेल करके बात करने को, काम करने को, जिसमें न्याय अन्याय की कोई चिंता नहीं, बस जो मन में आए वही कर दे, वही ठकुराई। ठकुराई के विषय में एक उदाहरण देता हूँ। एक किसान के खेत में से आलू निकल जाए रोज, एक एक किलो आलू। आप लोग तो जानते हैं आलू मिट्टी में पैदा होता है, और बड़ी सरलता से कोई बैठ करके उंगली से मिट्टी में से निकाल ले सकता है। तो शौच के बहाने वो सुबह आ जाए अधियारे में और वो आलू निकाल निकाल के अपने कोट के जेब में भर लें, और दरवाजे पर जाएं तो अंगीठी रख के रहें आग, उसमें भून भून के खाएं। आदत बन गई थी। किसान परेशान था, कौन ले जाता है। तो एक रात को किसान पहले से आके एक जगह खेत में लेट रहा। जब ठाकुर जी आए, बैठे, आलू निकालने लगे जमीन में से खोद खोद कर, तो देखा किसान खड़ा हुआ, कहे ठाकुर साहब ये आपका काम ठीक नहीं है। उन्होंने कहा चुप बदमाश,
मैं टट्टी करता हूँ। तो आया निकट, कहा हुजूर यहाँ कहाँ टट्टी है? कहे देखिए टट्टी पड़ी है। तो सूखी टट्टी पड़ी थी। तो कहे हुजूर ये सूखी टट्टी है? कहे मैं ठाकुर हूँ, सूखी हग्गू या गीली हग्गू, ये ठकुराई है। ईश्वर भी कह सकता है, मेरा मन उसको कोढ़ी बना दिया, उसको संपन्न शरीर से बना दिया, उसको झुगट पैदा कर दिया, उसको महल में पैदा कर दिया, मेरा मन ऐसा ईश्वर ठकुराई करता है। नावन किन किन ठकुराई, बिन किन्हे लिख दिन बुराई। ऐसा ईश्वर समझदार नहीं। पुनर्जन्म सिद्धांत माने बिना चैतन्य सृष्टि का समाधान नहीं हो सकता। विविध गुण कर्म संस्कार, सुख दुख का भोग, उपलब्धियों में महान अंतर। भौतिकवादी कहते हैं ये परिस्थित जन्य है, परिस्थित से मनुष्य वैसा हो जाता है। एक ही परिस्थिति में दो बच्चे किसी के पैदा हुए, एक कुशाग्र बुद्धि का है और एक बैधा है। बैधा दो और दो कितना होता नहीं जान पाता। एक बैधा से मैंने पूछा तुम्हारी उम्र कितनी है? तो कहे जौन होए। तो हम कहें दो ही बरस को हुई हो? कहें जरूर हो। तो हम कहें कि तुम 500 बरस को हुई हो? तो कहें हाँ इतना हो। तो उन्हें पता ही नहीं रहे 500 के कहा 200 कितना कहा। वो बैधा, और उस समय उनकी उम्र रही होगी 75 की। आदमी अच्छे थे लेकिन अब बैधा थे। कोई ईश्वर ऐसा नहीं करता, अपने कर्मों का फल है। जन्म जन्मांतर से जो हम कर्म करते हैं उसके फल चलते हैं। मनुष्य शरीर में कर्म भूमिका है, यहाँ अच्छे बुरे कर्म होते हैं और इनके फल आज भी और आगे होते हैं। जो कर्म जितने गहरे होते हैं उतने दूरगामी होते हैं। जैसे हमने किसी को कटु कहा तो ये कर्म हल्का है और पश्चाताप से ग्लान से थोड़े दिन में ये शम हो जाता है। लेकिन हमने षड्यंत्र करके किसी को तकलीफ दी तो ये बहुत दूरगामी होता है। और अगर हमने उसका कुछ हरण किया और दूरगामी होगा, और अगर कहीं हत्या की तो जन्म जन्मांतर चलेगा। कर्म जितने गहरे होंगे अच्छे या बुरे उनके परिणाम भी दूरगामी होंगे। इसलिए पुनर्जन्म सिद्धांत को माने बिना कर्म का, फलभोग का, लौकिक उपलब्धियों का समाधान नहीं हो सकता। मार्क्सवाद समाजवाद साम्यवाद कहता है और उसका महत्व है, लेकिन मार्क्स जैसा तो सब नहीं हो गए, लेनिन और एंगल्स जैसे सब लोग तो नहीं हुए। उनमें कुछ विशेषता थी तो सब बराबर कैसे हो सकते हैं? हाँ, शोषण जो है वो गलत है। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जिसमें सबको रोजी रोटी का प्रबंध हो सके, सबका एक जगह धन जमा होना और एक जगह गरीबी होना ये गलत है। ये सामाजिक और राजकीय अव्यवस्था का परिणाम है। लेकिन ऐसी व्यवस्था हो जाने पर भी ऊंच नीच की स्थितियां खत्म नहीं होंगी। प्रतिभावान होना, मूढ़ होना, अयोग्य होना, योग्य होना, इसको कौन बराबर कर सकता है? तो प्रारब्ध कर्म भाग्य है। आदमी सब काम करते हैं, सब उतने धनी तो नहीं हो जाते हैं। पढ़ते हैं बच्चे एक साथ, गुरु एक पढ़ाता है, लेकिन सब
परीक्षा में एक समान उत्तीर्ण नहीं होते हैं, मेहनत भी लोग करते हैं लेकिन उतना नहीं होते हैं। इसलिए भाग्य है, प्रारब्ध है, कुछ पुरुषार्थ है और कुछ प्रारब्ध है। प्रारब्ध भी पुरुषार्थ से ही बना है, मुख्य पुरुषार्थ यानी परिश्रम, प्रयत्न, हमारे प्रयत्न से प्रारब्ध भी बना है। लेकिन जो बन चुका है अब वो हमारे बस में नहीं है, वो भोगना है। प्रारब्ध भोग भोगना होता है। तीन कर्म माने जाते हैं, क्रियमाण, संचित, प्रारब्ध। क्रियमाण का अर्थ है मानव जीवन में राग द्वेष पूर्वक अच्छे बुरे कर्म करना, रागात्मक बुद्धि से कर्म करना, और उसमें अच्छे बुरे सब होते हैं, ये क्रियमाण कर्म है। संचित उसे कहते हैं जिन कर्मों का भी शरीर प्रारब्ध नहीं बना है, वो जन्म जन्मांतर के कर्म संस्कार जो बचे हैं वो अंतःकरण में हैं, वो अज्ञात है, वो संचित है। और इस जन्म में जो कर्म हो रहे हैं संचित हैं, जब शरीर छूटने का अवसर आएगा तो वर्तमान संस्कारों के अनुसार उस संचित में से कुछ कर्म उदय हो जाएंगे सामने जीव के, और उन्हीं को लेकर के आगे जाएगा, देह धरेगा। प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर। जब मानव शरीर में शरीर छूटने लगता है तो शरीर छूटते समय ही प्रारब्ध का विभाग होता है, कर्मों के संस्कारों का कुछ अंश अलग होता है, वो सब ऑटोमेटिक यंत्र है मानसिक। वर्तमान के कर्म संस्कार उसमें विशेष कारण होते हैं, और जिन कर्मों से आगे देह धरना और फल भोग है उसी को प्रारब्ध कहते हैं। और फिर देह धारण होता है, फिर उसका भोग होता है। कोई अपंग है, कोई स्वस्थ है, कोई धनवान है, कोई निर्धन है, कोई बेवकूफ़ है, कोई तीव्र बुद्धि का है, कोई किसी काम में हाथ लगाता सफल होता जाता है, कोई नहीं सफल होता है। नहीं सफल होने में और भी कारण होते हैं, समझदारी की कमी, अव्यवहारिकता, परिश्रम की कमी, कुल प्रारब्धे नहीं है। लेकिन कुछ तो ऐसे हैं कि जो एकदम प्रारब्ध ही मानना पड़ेगा, जीवन में कोई दोष नहीं, कोई दुर्गुण नहीं, कोई नशापत्ति नहीं, और कैंसर की बीमारी हो गई, अब यह प्रारब्ध कहना पड़ेगा। तो प्रारब्ध अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के संस्कारों का अंश है, उसी को भाग्य कहते हैं, उसी को नसीब कहते हैं, तकदीर कहते हैं, विविध शब्दों में कहा जाता है। पुरुषार्थ यहाँ परिश्रम है, प्रयत्न। जो वर्तमान में हम प्रयत्न करते हैं वो भी फल हमारे सामने आता है। और मैंने पहले कहा कि प्रयत्न से ही प्रारब्ध बनता है, जो आज प्रारब्ध है पहले का प्रयत्न है। जैसे हम खेत जोतते हैं, बोते हैं, निदाई करते हैं, खाद पानी देते हैं, उसकी सेवा करते हैं, ये क्रियमाण है। और अन्न मीच करके, वसा करके कोठियों में रखते हैं, कुछ खाने के लिए अलग रख लिए, बाकी गोदाम में रख दिए। जो खाने के लिए रखे वो प्रारब्ध है, और जो गोदाम में रख दिए वो संचित है। ऐसे वर्तमान में रागात्मक बुद्धि से किए गए कर्म क्रियमाण है, और उनका संग्रह संचित है, और जिन कर्मों से देह धारण हुआ वो प्रारब्ध है। संचित प्रारब्ध क्रियमाण की परिभाषा में कोई अंतर नहीं, यही परिभाषा वेदांती मानते हैं, जैनी मानते हैं, बौद्ध मानते हैं, वैष्णव मानते हैं, कबीरपंथी मानते हैं, पुनर्जन्म सिद्धांत मानने वाले जितने हैं इसमें दो राय नहीं है, एक ढंग से। तो भाग्य, तकदीर, प्रारब्ध, नसीब,
ये हमारे बस में नहीं है, ये हो चुका है, ये हमारे कर्मों के फल में हमारे शरीर में निहित है, अदृश्य है, जो समय समय से आता है और आएगा, और उसको केवल भोगना है, साना है, धीरज धर करके, उसमें छुटकारा नहीं है। क्रियमाण कर्म रोका जाता है, वर्तमान में बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए, रागात्मक बुद्धि मिट जाए तो क्रियमाण कर्म मिट जाएगा, और क्रियमाण कर्म मिटने से संचित अपने आप मिट जाएगा, इसको समझने की जरूरत है। मुख्य है क्रियमाण को रोकना। वर्तमान में जो क्रियमाण कर्म होता है, रागात्मक बुद्धि से कर्म होते हैं, वो क्रियमाण है। राग पूर्वक अच्छा और बुरा दोनों कर्म बांधते हैं। जहाँ साधना होती है तो बुरा नहीं किया जाता है, धीरे धीरे बुराइयाँ छोड़ दी जाती हैं, अच्छा किया जाता है। अच्छा करने का लक्षण है अपने मन इंद्रियों पर संयम करना और दूसरों को तकलीफ न देना, बन सके तो सुविधा देना, यही अच्छा करने का लक्षण है। जो अपने मन इंद्रियों को विकृत नहीं करता है वो दूसरे को तकलीफ नहीं देगा। पहले तो हम अपने मन इंद्रियों को विकृत करते हैं तब दूसरे को तकलीफ देते हैं, और यही पाप है। मन को पवित्र रखना और किसी को तकलीफ न देना, तकलीफ न देने से सबको सुख है। ये तो एक दूसरे को तकलीफ देते रहते हैं, कितने मुकदमे चल रहे हैं। एक वकील ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में करीब 1000 मुकदमे रोज दाखिल होते होंगे, अब उसमें कुछ अतिशयोक्ति हो सकती है, बहुत मुकदमे हैं, और निश्चित इतने मुकदमों के मूल में केवल अहंकार है। और मुकदमे ही नहीं है, जो उत्पात है दुनिया में आप सब जानते हैं। तो आदमी मोह छोड़ेगा तभी वो शुभ भी अहंकार रहित होके करेगा और अशुभ तो करेगा नहीं। जब क्रियमाण नहीं होगा तो क्रियमाण जब बंद तो संचित अपने आप खत्म। कैसे? जैसे एक आदमी गांजा पीता रहा, 50 वर्षों से गांजा पीता रहा, आज समझ में आया और गांजा छोड़ दिया, और धीरे धीरे गांजा की आसक्ति मिट गई, अब गांजा की गंध भी अच्छी नहीं लगती, उसे पूरी घृणा हो गई, तो उसका क्रियमाण मिट गया। क्रियमाण क्या था? चिलम उठाना, गांजा भरना, उसमें आग रखना, पीना, ये क्रियमाण था। ये क्रियमाण कर्म उसने बंद कर दिया। बंद करने पर धीरे धीरे आसक्ति मिटी, जब पूर्ण आसक्ति मिट गई तो संचित मिट गया। 50 वर्ष से गांजा पीता था तो 50 वर्ष से जो आसक्ति थी वो भी मिट गई, वर्तमान की आसक्ति मिटने से। अब वर्तमान में गांजा के लिए आसक्ति बिल्कुल नहीं है, उसको छूना भी नहीं चाहता है, तो क्या वर्तमान की आसक्ति मिटी और 50 वर्ष वाली बाकी है? वर्तमान आसक्ति मिट जाए तो पूर्व पूर्व की जितनी आसक्ति कुछ रखी नहीं रहती। एक आदमी कामासक्त है, मोहासक्त है, जब से होश में आया अत्यंत कामी रहा, अत्यंत विषयासक्त रहा, आज उसको समझ में बात आई और वैराग्य हो गई, घृणा हो गई विषयों से, विषयासक्ति का त्याग कर दिया, विषय क्रिया का भी त्याग कर दिया और विषयासक्ति का भी त्याग कर दिया, और इसी अवस्था में उसके वर्षों बीते। अब न तो काम वासना की तरफ रुचि है, न क्रिया है, न वाणी वैसी बोली जाती है, पूर्ण रूप से उससे अनासक्त हो गया। तो वर्तमान में अनासक्त है, वर्तमान में उसके लिए क्रियमाण नहीं है, लेकिन शुरू से जो विषयासक्ति थी क्या वो बची है?
वो भी बची नहीं रहेगी। वर्तमान में अनासक्त हुआ, बस सदा के लिए सदा की आसक्ति उसकी खत्म हो गई। इसलिए वर्तमान की अनासक्ति भूत की अनासक्ति है, इसलिए किसी को हरेला नहीं बनना चाहिए। आप पहले से क्या करते थे इसकी चिंता न करें, आज क्या करते हैं। कोई ज्ञान वैराग साधना में रहा, धीरे धीरे ढील हो गया, कुसंगी हो गया, रागवान हो गया, उसका सब ज्ञान वैराग स्वाहा हो जाएगा। वर्तमान की स्थिति का ही फल है, इसलिए मनुष्य को आशावान होना चाहिए। भूत में क्या हुआ इसकी चिंता नहीं है, वर्तमान में ठीक करो। जो हानिकर लगता है उसको हम त्याग देते हैं, फिर वो बात नहीं करना चाहते हैं, वैसी संगत नहीं करना चाहते, वैसी क्रिया नहीं करना चाहते हैं, तो मन वाणी कर्म से वो संस्कार उच्छिन्न हो जाता है। वर्तमान में पूर्णानाशक्ति हो गई तो पूर्व पूर्व की सब आसक्ति मिट गई, यही संचित का मिटना है। वर्तमान में पूरी अनासक्ति होगी सब, और जब राग मिट गया तो कोई कर्म फल देने में समर्थ नहीं हो सकता। जो जीव सारी इच्छाओं को छोड़ दिया, आत्मलीन हो गया, आत्मतृप्त हो गया, उसको देह नहीं धरना है, उसको कोई शक्ति देह नहीं धरा सकती। ठीक से बोध हो जाए अपने आप का कि मैं शरीर मन बुद्धि ये सबसे भिन्न शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूप हूँ, निर्मल हूँ, मेरे में कोई विकार नहीं है, मेरा कोई जड़ जगत से संबंध नहीं है, पूर्ण असंग हूँ, अकेला हूँ, निर्मल हूँ, ये बोध हो जाए और इसके साथ ऐसी रहनी हो जाए। क्योंकि जो कुछ हमें उपलब्ध है वो रहने वाला नहीं, किसी का नहीं रहा है, हमारे बाबे दादे का नहीं रहा, हमारे मित्रों का नहीं रहा, हमारा कैसे रहेगा। जो रहने वाला नहीं है उसमें अपने मन को बांधना समझदारी कहाँ है। अविद्या का मिट जाना क्या है, जो रहने वाला नहीं उसमें मोह न करना, और रहने वाला कुछ नहीं है, जो हमें उपलब्ध है कुछ रहने वाला नहीं, सब कुछ का मोह उसका खत्म हो जाता है। मोह खत्म हो गया, तृप्त हो गया। अब ये मोह नहीं कि हमें कोई क्या कहा, जैसा कहा वैसा कहा, झूठ सब झूठ, चारों तरफ जो हम जाल है सब झूठ। इन्हीं घरों में से, इन्हीं आश्रमों में से लाशें निकलेंगे। अगर मैं इलाहाबाद में रहा, शरीर छुटा, तो इसी आश्रम में से लाश निकलेगी, कहीं अलग रहा तो वहाँ से निकलेगी, और अपरिचित में छुटा तो चील गीत खा लेंगे, लेकिन रहेगा नहीं है, ये है ही नहीं, ये समझना चाहिए। है नहीं है, एक उर्दू के कवि ने कहा है नहीं है, है थोड़े दिन के लिए लेकिन तथ्यता समझो नहीं है। कबीर साहब की साखी बहुत प्रसिद्ध है, है कहूँ तो है नहीं, नहीं कहा ना जाए, हाँ ना ही के बीच में साहेब रहा समाए। शरीर, शरीर संबंधी प्राणी पदार्थ, परिस्थितियाँ, गुण कर्म स्वभाव, ये सब है कहूँ तो है नहीं, एक दिन शून्य हो जाए तो कहाँ है, लेकिन नहीं कहा ना जाए। जब तक शरीर है तब तक नहीं कहते नहीं बनता, व्यवहार है, खाना पड़ता है, पीना पड़ता है, वस्त्र की आवश्यकता होती है, आवास की आवश्यकता होती है, शरीर धारण किए हैं तो इसका बर्ताव करना पड़ता है, नहीं कह करके छुट्टी नहीं मिलेगी। इसलिए विवेकवान हाँ ना ही के बीच में रहते हैं, है भी और नहीं भी, है बहुत थोड़े समय के लिए और नहीं है अनंत काल के लिए, इस पर ध्यान दीजिए। मेरा शरीर है, अभी है, कब तक के लिए तो पता नहीं,
लेकिन ये पता है कि थोड़े समय के लिए है, और चाहे सेकंडों में जाए, चाहे मिनटों में जाए, चाहे घंटों में जाए, चाहे दिनों में जाए, चाहे सप्ताहों में जाए, चाहे महीनों में, वर्षों में जाए, लेकिन जाना है पक्का। थोड़े समय के लिए है, उस समय की सीमा हमें पता नहीं है, लेकिन है थोड़ा समय। और जब ये मिट जाएगा तो कब तक के लिए मिटेगा? अनंत काल के लिए। ऐसे जगत में हम रह रहे हैं, ऐसी जगह में हम बैठे हैं कि अभी सांस टूटे तो अनंत काल के लिए इस कबीर आश्रम का मुझे कोई संबंध नहीं होगा, इसकी स्मृति भी नहीं होगी। इस तथ्य को निरंतर देखना चाहिए। इसलिए नहीं है, है नहीं है, होते हुए भी नहीं है, और इस धारणा में जो स्थित रहता है वो मानो देखते हुए नहीं देखता है, जानते हुए नहीं जानता है, व्यवहार करते हुए मानो नहीं करता है, उसकी दृष्टि ही अलग होती है। आत्म अनुभव जब भयो तब नहीं हर्ष विषाद, चित्र दीप सम होए रहे तज के बाद विवाद। आत्म बोध जब भयो तब नहीं हर्ष विषाद, जब आत्मबोध होता है तो हर्ष विषाद खत्म हो जाता है। चित्रदीप सम होए रहे तज के बाद विवाद, जैसे चित्र का दीपक कंपित नहीं होता, चित्र का दीपक है ऐसे वो कंपित नहीं होता। आत्मबोध जब भयो तब नहीं हर्ष विषाद, यहाँ बोध का मतलब जानकारी नहीं, जानकारी को भी बोध कहा जाता है, लेकिन जानकारी से थोड़ा सा मन हल्का होता है, दुख नहीं मिटता है। जब उस स्थिति में निरंतर दृढ़ता हो जाती है, चरितार्थता रियलाइजेशन, तब तो अवस्था आती है, वहाँ हर्ष विषाद नहीं होता है। हर्ष विषाद तब तक है जब तक देहाभिमान है। ज्ञानी समझता हमने देहाभिमान को छोड़ दिया और हर्ष विषाद में पछता है, वो ज्ञानी क्या है? जानकार हो गया, प्रवक्ता हो गया, इसलिए मान लेता मैं ज्ञानी हूँ। कसौटी है सबकी। जब तक चित्त में अविद्या है तब तक दुख है। अविद्या मिट जाने पर कोई दुख नहीं है। शारीरिक दुख आ सकता है, फोड़ा फुंसी जर बुखार बीमारी आ जाए, उसमें भी विवेकवान दृढ़ रहता है, प्रसन्न रहता है, भोग करके खत्म हो जाएगा। मानसिक उद्वेग, पीड़ा, संताप, उसको बिल्कुल नहीं। क्या घाटा, क्या मुनाफा, क्या मिला, क्या बिछुड़ा, क्या किसने मुझे कह दिया, अपना अपना बाजा है, सब बजा रहे हैं, छोटा हो बड़ा हो, ऊंच नीचे मध्य की वाणी, छोटा बड़ा भी एक बीच की बात है। कोई पुत्र है, शिष्य है, नौकर है, वो भी कह सकता है, मनुष्य है, कह दिया कह दिया। हमें हर शोक में पड़ने की आवश्यकता है? देहाभिमान के पूर्ण रूप से गल जाने पर हर्ष विषाद समाप्त हो जाता है। चित्र दीप सम होए रहे तज के बाद विवाद, आत्म अनुभव जब भयो तब नहीं हर्ष विषाद। ये आत्मानुभव का अर्थ है सदैव स्वरूप भाव में लीनता, आत्मचिंतन में लीनता, देहाध्यास का त्याग, देहाशक्ति का त्याग। चारों तरफ एक सपना है, सपना सपना देख रहे, और ये टूटना, टूटने में देरी नहीं। विवेकवान निरंतर जागता है। संतो जागत नींद न कीजे, काल न खाए, कल्प नहीं व्यापे, देह जरा नहीं छीजे। साहेब कहते ऐ संतो जागते रहो, नींद न करो, तुम्हें काल नहीं खा सकता है, कल्प तुम्हारे में व्याप्त नहीं हो सकते, तुम्हारी देह को जरा छीण नहीं कर सकती है। यहाँ देह का अर्थ है स्वरूप, यहाँ देह का अर्थ ये हाँड़ चावाली देह नहीं, देह जरा नहीं छीजे, देह स्वरूप
आत्मस्वरूप, तेरे आत्मस्वरूप को जरा क्षीण नहीं करती है, जरा बुढ़ापा। संगठित वस्तु विघटित होती है, आत्मा निर्विकार है, वो संगठित नहीं हुआ है, विघटित नहीं होगा, वो तो अजर अमर शुद्ध बुद्ध निर्मल है। ना जायते मृत्यु वा विपश्चित नायम कुतश्चित न बभू कश्चित अजो नित्य शास्त्रों एवं पुराणों न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ये उपनिषद का वचन है। न जायते आत्मा जन्मता नहीं, न मृत्ये न मरता, न जायते मृत्यु वा विपश्चित, विपश्चित पंडित, लेकिन यहाँ विपश्चित का अर्थ है ज्ञानवान आत्मा। यह ज्ञानवान आत्मा न मरता है न जन्मता है, नायम कुतश्चित न बभु कश्चित, न अयम कुतश्चित न बभु कश्चित, कुतश्चित किसी से, कश्चित कोई, न बभु पैदा नहीं होता है, नायम कुतश्चित न बभु कश्चित, कुतश्चित नाम किसी से, कश्चित नाम कोई, न बभु पैदा नहीं होता है। यहाँ अंशांशी भाव बिल्कुल खंडित है, जीव ईश्वर का अंश है, ये बात खंडित हो जाती है। ईश्वर अगर अखंड है तो टूटा कैसे, जो जीव अंश हो गया, दस हाथ की लकड़ी है, एक फिट कट गई तो क्या लकड़ी अखंडित नहीं थी, और जो एक फिट कटी है वो और कटेगी, तो दोनों खंडित नहीं है, न जीव अखंडित न ईश्वर अखंडित, दोनों खंडित, दोनों विकारी हैं। जब ईश्वर अखंडित है तो अंशी कैसे बनेगा, और जीव अखंडित है अविनाशी है तो अंश कैसे बनेगा। अंश और अंशी के भेद को भी समझ लेना चाहिए। एक लोटा पानी ले आए, वो अंशी है, उसमें एक छटाक पानी निकाल दिए, वो अंश है, तो एक लोटा पानी विकारी है, कणों का समूह है, तब उसमें से एक छटाक पानी निकला, तो एक छटाक में से एक तोला अलग भी निकलेगा, कण कण निकलेगा, तो अंशांशी जहाँ है वहाँ विकार की स्थिति है। विकारी वस्तु में अंशांशी होता है, जब परमात्मा अविनाशी है अखंड है तो किसी का अंशी कैसे बनेगा, और जीव जब अविनाशी है तो किसी का अंश कैसे बनेगा। इसलिए अंशांशी की कल्पना जो आध्यात्मिक क्षेत्र में भ्रांतिपूर्ण है, और आपको ये जानना चाहिए कि वैष्णव में ही द्वैतवादी इसको नहीं मानते हैं। अयोध्या में द्वैतवादी और विशिष्टाद्वैतवादी दोनों हैं, ये विशिष्टाद्वैतवादियों का मत है, विशिष्ट अद्वैत, श्रेष्ठ अद्वैत, ब्रह्म है अद्वैत है लेकिन श्रेष्ठ अद्वैत है, उसके नीचे दो हैं जीव और प्रकृति, इसलिए विशिष्ट अद्वैत कहते हैं इसको। और जीव ईश्वर का अंश है ऐसा वो कहते हैं, लेकिन जो द्वैत मत वाले हैं माध्वाचार्य वाले वे इसका खंडन करते हैं, जीव अलग है, ईश्वर अलग है, प्रकृति अलग है, प्रकृति भी नित्य है, जीव भी नित्य है, ईश्वर भी नित्य है, कोई किसी से पैदा नहीं हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज में भी यही माना जाता है, लेकिन माधवाचार्य सगुण भी मानते हैं, अवतार भी होता है, दयानंद स्वामी ये नहीं मानते। तो जो ईश्वर अंश जीव विनाशी आप सुनते हैं ये विशिष्टाद्वैत मत का है, और गीता में भी है ममैवांसी जीवलोके जीवभूत सनातना, ये भी विशिष्टाद्वैत मत का ही है। तो अंशांशी की कल्पना भ्रांतिपूर्ण है, आत्मा अखंड है, अमर है, नित्य निर्विकार है, नायम कुतश्चित न बभू कश्चित, कुतश्चित किसी से, कश्चित कोई, न बभू नहीं पैदा होता, क्योंकि अजो नित्य शास्त्रों एवं पुराणों, ये अज न जन्मने वाला
अजो नित्य नित्य है, शाश्वत सदा है। और ये पुराण पुरुष है, शरीर के मरने पर ये नहीं मरता है, ये प्रमाण है। युक्ति क्या है? युक्ति और प्रमाण ये दो से सिद्धांत स्थिर होता है, ज्ञान स्थिर होता है। ये तो प्रमाण हुआ। युक्ति है कि जो भिन्न लक्षणों वाला हो नित्य होता है, मिट्टी पानी आग हवा के लक्षण चेतन में नहीं, और चेतन के लक्षण मिट्टी पानी आग हवा में नहीं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन फास्फोरस इत्यादि में नहीं है, पूरी जड़ प्रकृति में चेतना का कोई लक्षण नहीं, और चेतन आत्मा में जड़ता का कोई लक्षण नहीं है, इसलिए दोनों भिन्न धर्मी तत्व, जड़ और चेतन अलग अलग है, दोनों स्वतंत्र हैं, इसलिए नित्य पदार्थ है, दोनों मूल हैं, जड़ का मूल चेतन नहीं, चेतन का मूल जड़ नहीं। जड़ाद्वैतवाद, चेतनाद्वैतवाद और विवेकवाद, ये तीन को आप समझिए। जड़ाद्वैतवाद कहता है जड़ से चेतन पैदा हुआ, जड़ में विकृत होते होते परिवर्तन होते होते उसका गुणात्मक फल चेतना आ गई। चेतनाद्वैतवाद कहता है कि चेतन ही सत्य है, जड़ है ही नहीं, अगर जड़ है तो ये मिथ्या परिवर्तन है, विवर्त है, जैसे सांप रस्सी में सांप विवर्त है, विवर्त नाम मिथ्या परिवर्तन, रस्सी पड़ी है रात में समझे सांप है, तो रस्सी में सांप का विवर्त है, मिथ्या परिवर्तन है, सांप है नहीं केवल रस्सी है। ऐसे ब्रह्म शुद्ध चेतन आत्मा है, जगत जो दिखाई देता है वो ब्रह्म में मिथ्या परिवर्तित है, लेकिन इसको समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि सांप अलग है, रस्सी अलग है, देखने वाला अलग है, पहले देखा है सांप को तब रस्सी देख करके सांप का भ्रम होता है। जगत तीनों काल में नहीं है और देखने वाला भी दूसरा नहीं, एक ही ब्रह्म है, तो किसको किस में भ्रम हुआ? ब्रह्म को ब्रह्म कहने की क्या गर्ज है? जानना ब्रह्म ऐसा किसका फर्ज है? ये निर्मल साहब तर्क करते हैं कि एक ब्रह्म था और कोई नहीं था, तो उसने बताया किसको, और उसको बताने की गर्ज क्या थी? ब्रह्म को ब्रह्म कहने की क्या गर्ज है? उसको आवश्यकता क्या पड़ी कि मैं बताऊं कि मैं ब्रह्म हूं? और जानना ब्रह्म ऐसा किसका फर्ज है? ब्रह्म ज्ञान समझे इसके फर्ज किसका है? ब्रह्म के अलावा तो कुछ है नहीं, इसका उत्तर क्या देंगे? एक सभा की याद आती है, हमारे एक पारखी संत थे, विद्वान थे, पंडित भी थे, वे पंडितों की सभा में भी बुलाए जाते थे, तो एक सभा में पंडित सब इकट्ठे थे, तो ये आया भाई कोई प्रश्न करना हो तो प्रश्न भी करें, तो उन्होंने बड़ी कोमलता से प्रश्न किया, भगवान ब्रह्म को ब्रह्म कहने का क्या गर्ज है? जानना ब्रह्म ऐसा किसका फर्ज है? तो उन्होंने धीरे से बुला के उनके कान में कहा, ये प्रश्न सभा में नहीं करना चाहिए क्योंकि उत्तर ही नहीं था तो चेतनाद्वैतवाद, एक चेतन से जड़ हो गया भी कहते हैं, और तो बहुत उलझा है। इसको समझने के लिए कबीर दर्शन पढ़िए, बीजक व्याख्या पढ़िए, न्यायनामा छोटा सा ग्रंथ है उसको पढ़िए, टीका सहित बहुत छोटा सा है। तो चेतनाद्वैतवाद गलत है, जड़ाद्वैतवाद गलत है, जड़ चेतन अलग अलग हैं, ये वास्तविकता है, दोनों मूल हैं, मूले मूला भावाद मूलम मूलम, ये कपिल जी महाराज ने कहा है, मूल में मूल न होने से अमूल होता है मूल, जड़ चेतन दोनों मूल हैं, इनका मूल और कोई नहीं, इसलिए दोनों अमूल हैं, दोनों नित्य हैं। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्नादि उभावपि, ये गीता में कहा गया 13वें अध्याय में, प्रकृति और पुरुष इन दोनों को तू अनादि जान, जो अनादि है तो एक दूसरे से कैसे पैदा हो जाएगा?
इसलिए जड़ चेतन अलग अलग है। चेतन का लक्षण जड़ में नहीं है। दो भौतिक वैज्ञानिकों से मेरा संपर्क हुआ, दोनों से भिन्न देश काल में हुआ। दोनों से मैंने कहा कि आपके जो 100 से अधिक तत्व हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन इत्यादि, क्या उनमें चेतना के लक्षण हैं? उन्होंने कहा नहीं है। तो मैंने कहा तब उनकी क्रिया प्रतिक्रिया घात प्रतिघात से चेतना कैसे पैदा हो जाएगी? कहे नहीं पैदा होगी। तो मैंने कहा चेतना गुण दुनिया में है? उन्होंने कहा है। तो मैंने कहा वो किस द्रव्य का है? तो उन्होंने कहा मैं यही तो नहीं समझ पाता हूँ, हम लोग यही नहीं समझ पाते हैं, ये चेतना गुण कहाँ से आ गया। तो मैंने कहा चेतना एक गुण है, गुण सदैव द्रव्य में रहता है और अभिन्न रहता है, समवाय संबंध उसका होता है। जैसे आग और गर्मी का समवाय संबंध है जो अलग न हो, ऐसे चेतन और चेतना का समवाय संबंध है, अभिन्न संबंध है। तो चेतना एक गुण है और उसका जो द्रव्य है उसी को हम आत्मा, चेतन, जीव, रूह, सोल कहते हैं। वो स्वयं अपने आप है, आत्मा नित्य वस्तु है, न ये किसी का अंश है न अंशी है। नासा भाविका परमात्मनो अंशो जीवित वाच्यम निकलम निष्क्रियम शांतम निर्वध्यम निरंजनम, ये भी इसके लिए प्रमाण है। नासा भाविका परमात्मनो अंशो, जो भाविक सत्य आत्मा है, नासा परमात्मनो अंशो, ये किसी परमात्मा का अंश नहीं, ये तो निष्कलम कला रहित अंश रहित है, निष्क्रियम क्रिया रहित है, निष्कलम निष्क्रियम शांतम निर्वध्यम निरंजनम, ये तो निर्मल निर्विकार है। तो प्रमाण भी शास्त्रों में दोनों तरह के हैं, युक्ति सबसे प्रबल है। जड़ से चेतन नहीं बनेगा, चेतन से जड़ नहीं बनेगा, चेतन स्वतंत्र सत्ता है, आत्मा की स्वतंत्र सत्ता है। इस आत्मज्ञान को हमें ठीक से प्राप्त करना चाहिए, समझना चाहिए गुरुजनों से जो ऐसा निर्णय कर सके। बाकी तो गोलमाल चलता है, किसी के पास जाओ संत पुरुष के पास, कुछ पूछो तो वे उंगली ऊपर उठा के दिखा देते हैं, भगवान पर निर्भर हो जाओ। अब भगवान कहाँ है, कैसे निर्भर हो जाए? पहले तो भगवान का पता लगे। भगवान तो महापुरुष को कहते हैं, भगवान शब्द छोड़ दो मानो, परमात्मा, तो परमात्मा कहाँ है? ईश्वर परमात्मा ब्रह्म कहाँ है जिससे उस पर निर्भर हो? पहले समझें तब तो निर्भर हो। हमारे पूर्वजों की बड़ी शुभ कामना थी और बड़ी अच्छी सूझ थी, उन्होंने कहा एक ईश्वर है जो सर्वत्र व्याप्त है और सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ, वो सब जगह है, सर्वत्र व्याप्त सब जगह है, उससे कुछ खाली नहीं है, और सर्वज्ञ सब कुछ जानता है, और सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकता है लेकिन गलत नहीं करता है। और यह शक्ति अगर हो तो दुनिया में पाप और ताप न हो, इसीलिए शुभ कल्पना है, बड़ी सुंदर कल्पना है। अगर कहीं ये घटित हो संसार में तो क्या पूछना है। बॉम्बे में ट्रेन में कई जगह जो रखा गया बम, वहाँ सब जगह ईश्वर था इस सिद्धांत के अनुसार, और सब जानता था और रोक सकता था लेकिन नहीं रुका। केवल उतने नहीं है, रात दिन जो चारों तरफ दुराचार पापाचार हो रहा है, एक दिन कानून उठा लिया जाए तो देश की क्या दशा होगी, सहज कल्पना की जा सकती है। जब वैसी स्थिति आती है जैसे इंदिरा की हत्या हुई थी, सरकार ढील हो गई थी, जो उत्पात हुआ हद है। ऐसे और भी जब होता है, जब सरकार ढील हो जाती है, गुजरात में मोदी महाराज ने जो करवाया कौन नहीं जानता है, इतना अत्यंत अत्याचार हुआ। तो सरकार अगर ढील हो जाए
तो फिर पता चलेगा कि संसार कैसा है, बर्बर, और ईश्वर बेचारा बैठा रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। ईश्वर अपने भक्तों को नहीं समझा पाता है। सभी मत वाले तो उसके भक्त हैं, और सभी मत वाले एक दूसरे को नास्तिक कहते हैं और काफिर कहते हैं, नापाक कहते हैं, और यहाँ तक कि मस्जिद फूकी जाती है, मंदिर फूका जाता है, उपासना में बैठे हैं, चाहे वो नमाज को हो, चाहे प्रार्थना को हो, चाहे पूजा को हो, चाहे तीर्थयात्री को, और बम विस्फोट कर दिया गया, सब मर गए, और ईश्वर कुछ नहीं कर पाता है। तो हमारे पूर्वजों की शुभ कामना थी ऐसे ईश्वर की कल्पना, और इसी कामना से ईश उपनिषद में कहा गया, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किन जगत्याम जगत्तेन तिक्तेन भुंजीता मा गृद्ध कससिद्धनम। ये शुक्ल यजुर्वेद की 40वीं अध्याय का पहला मंत्र है, और इसी को ईश उपनिषद 18 मंत्रों का अलग कर दिया गया है। ईशा स्त्रीलिंग शब्द है, इसका अर्थ दुर्गा शक्ति इत्यादि किया जा सकता है, लेकिन रूढ़ है ईश्वर के लिए, ईशा ईश्वर। वास्यम, वासम नहीं, वास्यम, वास्यम बसाने योग्य है, बसा है ना अर्थ नहीं है, बसाने योग्य है। इदम सर्वम ये सब में, यत किंचित जो कुछ भी है, जगत्याम जगत, जगत में जगत, जगत में जगत जो कुछ भी है, ये सब में ईश्वर बसाने योग्य है। मान लेना चाहिए कि हर जगह ईश्वर बैठा है और सब उसी का है, मेरा कुछ नहीं है। तेन तिक्तेन भुंजी था, इन संसार की वस्तुओं का त्याग पूर्वक भोग करो, खाना पीना गुजर बसर त्याग पूर्वक करो, ये तुम्हारा नहीं है। कस से धनम, धन किसका है, कस धनम, इतना काफ़ी है, सित निपात है, कस सिद्ध धनम, कस और धनम के बीच में सित आया, ये निपात है, निपात नाम निरर्थक। जैसे किसी गिलास भर के पानी में एक कण पड़ जाए, घास का टुकड़ा पड़ जाए, तो निपात है, निरर्थक है। ऐसे श्लोकों में छंदों में निपात हुआ करता है। स्वामी शंकराचार्य, महीधर इत्यादि सब ने इसको निपात माना है। कस धनम काफ़ी है, सित निपात है, कस धनम किसका धन है, धन किसी का नहीं, धन तो प्रभु का है जो सब जगह बैठा है, ये उनकी सुंदर कल्पना थी। और इस कल्पना में अच्छाई है, मन में संतोष होगा, लेकिन अब उसको ज़्यादा रूढ़ करो कि वो सब जगह है, सब कुछ देखता, वो कुछ भी कर सकता है, वैसा कुछ नहीं है। सब जगह जहाँ कहीं भी हो सारा अत्याचार होता है, कोई रोकने वाला नहीं है, रोकने वाला है तो मनुष्य हो सकता है, इसलिए जिस प्रकार हम चाहते हैं ईश्वर वैसा नहीं है। सुबह मैंने थोड़ी चर्चा की थी, आदिदैविक क्षेत्र में प्रकृति के नियम ईश्वर है, ईश्वर कण कण में व्याप्त है, इसका मतलब प्रकृति के नियम कण कण में व्याप्त है, उसके द्वारा जगत संचालन निरंतर होता है। आदि भौतिक क्षेत्र में प्राणी समूह, ये ईश्वर है, ये पूजनीय है, सेवा करनी चाहिए इसकी। और आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने व्यक्तिगत जीवन में आत्मा ईश्वर है, वो उपासनीय है, आत्मा की पहचान करके आत्मलीन होना चाहिए। वस्तुतः आप अपनी उपस्थित हर जगह देखते हैं, घर में, वन में, जहाँ हैं, इतने लोग आए हैं, अनेक प्रदेशों से लोग कहाँ कहाँ से सब आए हैं, वे सब अपना अपना घर छोड़ के आए हैं, लेकिन अपने को छोड़ के नहीं आए। आपकी उपस्थित आपके पास निरंतर है, वह परमात्मा है, उसको धोखा मत दो। पाप करोगे, कोई न देखे ईश्वर देखता है, कोई न जाने ईश्वर जानता है। आप कहें कहाँ ईश्वर, आपकी आंखें ईश्वर की आंखें, आपकी अंतरात्मा परमात्मा है। कोई आपका पाप कर्म न जाने न देखे, आपकी आंखें देखेंगे।
जब आप गलत कर्म करेंगे कोई दूसरा आदमी न देखे, लेकिन आपकी आंखें देखेंगी, कोई न जाने दूसरा, आपकी अंतरात्मा जानेगी। ये अंतरात्मा परमात्मा है, आपकी आंखें परमात्मा की आंखें हैं, आप अपने को धोखा नहीं दे सकते हैं। जो अपने को धोखा देता है परमात्मा को धोखा देता है। इसीलिए ऋषियों ने अंत में थक करके आत्मा परमात्मा है कहा, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, ये चार महावाक्य वेदांत के माने जाते हैं। अहम ब्रह्मास्मि उत्तम पुरुष, मैं ब्रह्म हूँ। तत्त्वमसि मध्यम पुरुष, तू ब्रह्म है। प्रज्ञानम अयम आत्मा ब्रह्म, अन्य पुरुष यह आत्मा ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म सामान्य कथन, जितना ज्ञान जहाँ जहाँ ज्ञान है वो ब्रह्म है। मैं ब्रह्म हूँ, तुम ब्रह्म हो, यह ब्रह्म है। और ब्रह्म का सार्वभौमिक लक्षण है ज्ञान, ज्ञान ही ब्रह्म है। इस प्रकार अपनी तरफ ऋष लौटे थक करके बाहर, बाहर कोई परमात्मा मिलने वाला नहीं, आप प्रार्थना करें कोई सुनने वाला नहीं, प्रार्थना से आपका मन थोड़ा कोमल होगा। अपने को संभालें, अपने को शोधें, प्रार्थना में समय न बितावें, आत्मशोधन में समय बितावें। गिड़गिड़ाएं ना, रोएं ना, बच्चा नहीं होता है किसी बाबा के पास ना जाए। अभी एक देवी आई, मैं सत्संग में आया हूँ उसके एक घंटा पहले, महाराज मेरी बच्ची को कोई बच्चा नहीं, बहुत वर्ष हो गए, उसका पद तकलीफ देता है, निकाल दिया। मेरे बच्चे को भयंकर रोग है, अच्छा नहीं हो रहा है, आप दुआ कर दीजिए। मैंने कहा मेरी दुआ कोई काम नहीं करेगी, किसी बाबा के पास मत जाना, कोई आपको बच्चा नहीं दे सकता, कोई आपके बच्चे को रोग दूर नहीं कर सकता, बाबा लोग स्वयं बीमार हो जाते हैं। उसकी दवाई कराओ और बच्ची को ज्ञान विवेक की बात बताओ, दुनिया को भी देख ली, नरक कैसा नरक है, संसार कैसा, वो पुरुष है कि अपनी पत्नी को बच्चा न होने से निकाल दे। कितनी देवियां हैं जिनके बच्चे नहीं हैं। तो इसमें कोई महात्मा कोई सिद्ध, सिद्ध उद्ध तो बकवासे हैं, सिद्ध का मतलब है परिपक्व, अनासक्त पुरुष अध्यात्म क्षेत्र में सिद्ध कहलाता है। तो इस चक्कर में कहीं न पड़ना, कोई कोई बाबा न लड़का आपको दे सकता है, न धन दे सकता है, न रोग काट सकता है, न पदोन्नत कर सकता है। महात्मा का काम है वो इंद्रिय जयी हों, मनोविजयी हों, आत्मसंतुष्ट हों और समाज को उसकी प्रेरणा दें, बस इतना है। लेकिन धर्म में इतना खोटा माल मिला हुआ है कि हद है, और बड़ा बड़ा प्रपंच है। धार्मिक लोग जितना समाज को भटकाते हैं कोई नहीं भटकाता है। और धर्म ही ऐसा है जो मनुष्य की आंखें खोल सकता है, इसलिए सच्चे धर्म को परखने की जरूरत है। अब आपको खुद परखना होगा, मोक्ष में जीव कहाँ रहेगा, अपने स्वरूप में रहेगा। मुक्त हो जाएगा जब देह छूट जाएगी, तो आत्मा कहाँ रहेगा, अपने स्वरूप में रहेगा। आज अपने स्वरूप में, आगे अपने स्वरूप में है, उसके लिए कोई जगह जमीन नहीं है। जगह जमीन की कल्पना करना व्यर्थ है, जो लोगों की कल्पना वो व्यर्थ है। इसी देह में रहते रहते वासना समाप्त हो गई, आत्मलीन पुरुष है, आत्मा राम है, आत्मतृप्त है, शरीर चल फिर रहा है, एक दिन ये मिट जाएगा। शरीर के रहते रहते वो आत्मतृप्त है, शरीर के छूट जाने पर भी आत्मतृप्त है, अपने आप में है वो, स्वयं शुद्ध बुद्ध निर्मल है, उसके लिए कोई जगह जमीन की जरूरत नहीं है। आधार में आधे रहता है, पृथ्वी आधार है, घड़ा आधे है, बुलबुले आधे हैं और तालाब आधार है, क्योंकि दोनों कारण कार्य हैं, तो आधार आधे का संबंध है। आत्मा न किसी का आधार है, न आधे ही निराधार है, इसलिए इसे न कहीं मिलना है और न कहीं आना जाना है। कबीर साहब ने कहा है, बूंद जो परा समुद्र में सो जानत सब कोय,
समुद्र समाना बूंद में जाने बिरला कोई। बूंदे समुद्र में गिरती हैं, ये सब देखते हैं, लेकिन समुद्र का पानी भाप बन करके बूंदे बनती है ये वैज्ञानिक समझ पाते हैं। जीव ब्रह्म में लीन हो जाता है ये लोग कहावत है, लेकिन जीव में ब्रह्म पहले से लीन है ये विवेकवान समझते हैं। जीव तो आप हैं, ब्रह्म कहाँ है? आपको हटा देने के बाद कहीं ब्रह्म मिलेगा? अपने को पहचानो। जब रमण महर्षि एक ने कहा महाराज जीव ब्रह्म की एकता का ज्ञान दीजिए, तो उन्होंने कहा जीव काफी है, ब्रह्म के चक्कर में क्यों पड़े हो? मस्त संत थे, क्योंकि वेदांत तो अंत में वही कहता है ये जीव ब्रह्म ही ना परा है, जीव ब्रह्म है दूसरा नहीं। अस्ति कश्चित् स्वयं नित्यम अहम् प्रत्यलम्बनः, ये स्वामी शंकर का विवेक चूड़ामणि का आधा श्लोक है। अस्ति है कश्चित् कोई, अस्ति कश्चित् स्वयं खुद, नित्यम सदा, अहम मैं, प्रत्यय बोध, लम्बना आधार, मैं बोध का आधार, कोई स्वयं नित्य सत्ता है। वो कौन है? मैं, क्योंकि स्वयं है, ये स्वयं ही ब्रह्म है। ब्रह्म कहीं अलग नहीं, ब्रह्म का मतलब है महान श्रेष्ठ, आपके अलावा कोई कुछ श्रेष्ठता कहीं मिलेगी? आप अलग ब्रह्म खोज रहे हो, अलग कुछ पाओगे? कुछ नहीं पाओगे। सुंदर वित्त गड़ो घर माए, तो बाहर ढूंढन क्यों कर पावे। पुराण तक में ऐसी बातें आती हैं, जो ज्ञान की बातें हैं, वेदांत की बातें हैं, सांग की बातें हैं, चिंतन की बातें हैं, बोध की बातें हैं, ये पुराणों में भी जगह जगह हैं, लेकिन जंजाल बहुत है, इसलिए आदमी भटकता है। अपने को पहचानो, अपने को पाओ, तो प्रारब्ध, तकदीर, भाग्य, कर्म, ये सब हमारे बनाए कर्मों के फल हैं। पुरुषार्थ परिश्रम, आज जो हम करते हो परिश्रम है। परमार्थ, परम प्रयोजन, दुखों से अत्यंत छुटकारा है, और वो इसी जीवन में है। जब आदमी देहाभिमान, बिल्कुल देहाभिमान से मुक्त हो जाता है, तो वो क्लेश से रहित हो जाता है, उसके चित्त में पीड़ा नहीं रह जाती, कुछ लगता नहीं है, कुछ हानि हुई, कुछ लाभ हुआ, सब एक स्वप्न की तरह प्रतीत होता है। यह जो कोई उस स्थिति में पहुंच जाएगा उसी की दशा हो जाएगी। इस दशा में अनेकों ऋषि मुनि संत पीर रहे हैं, आज हैं और आगे भी रहेंगे। स्वयं इसको साधो, स्वसंवेद्य, दूसरे के अनुभव से आपका अनुभव न होगा, उनसे अगर श्रद्धा रखो तो ऐसे पुरुषों से प्रेरणा मिलेगी, वाणी से, उनकी रहनी से समझ पाओ तो। वैसे जीवन मुक्तों को की बुराई की गई है, जीवन मुक्तों के पास में रहने वाले सब लोग उनके शिष्य उनको नहीं समझ सके हैं। बड़े बड़े पुरुषों की कहानी, बुद्ध, महावीर, कबीर, कोई भी हो, शंकराचार्य, सबके सामने बात रही है। इसलिए दूसरे को समझ पाना भी बड़ा मुश्किल है, किंतु जो कल्याण इच्छुक है, श्रद्धावान है, वो समझेगा, समझने वाले हैं, समझे हैं, ऐसे संतों के पास जाओ, समझो, बूझो और स्वयं साधो। स्वयं आपको करना पड़ेगा, कोई गुरु आपको मुक्ति नहीं दे सकता है, रास्ता बता सकता है। स्वयं हम और आपने जंजाल बनाया है, मन का रोग, और उससे हम जल रहे हैं रात दिन, अविद्या, अज्ञान, मोह, ममता, जड़ता, देहाभिमान, ये सब कूड़े कचड़े में जल रहे हैं। गुरु का उपदेश पा करके, स्वयं परिश्रम करके, इन कूड़ों कचड़ों को जला देने के बाद वो दिव्य स्थित मिलने वाली है जो परमार्थ है। हम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम
अजराहम अराहम अखंडम अनूपम।